आपने एक वीडियो देखा होगा जिसके फादर बहुत ढोल नगाड़े के साथ ससुराल से वापस लेके आ रहे वो साक्षी गुप्ता मैं हूँ। मेरे पापा ने सपना देखा था मेरी शादी को लेके। मेरी शादी में ऑलमोस्ट 85 लाख खर्च हुआ है। मेरे पापा ने मेरी शादी के टाइम अपना एक प्रॉपर्टी बेचा था और मार्केट से करीब नहीं भी तो 25 से 30 लाख रुपए उन्होंने कर्ज लिया था। और जो भी मेरे ससुराल वालों का डिमांड था, जितनी भी चीज़ें थी, कभी उन्होंने ना नहीं बोला। शादी में उन्होंने 21 लाख रुपए दहेज दिया था, गोल्ड दिया था 4.5 लाख का। मतलब बचपन से सोचती थी कि एक ऐसा पार्टनर हो जो दोस्त की तरह हो, जो मुझे मतलब कभी नीचा ना दिखाए और मेरे साथ मुझे सपोर्ट करे। एंगेजमेंट के बाद हम लोग मिले, जैसा मैं चाहती थी वो बिल्कुल वैसा ट्रीट करा था मुझे। शादी के जस्ट मतलब नेक्स्ट डे जब मैं वहाँ गई तो मुझे एक मतलब रूम में ही रहना है, रूम से बाहर नहीं निकलना है। एक दिन बहुत लड़ाई हुआ शादी के बाद और मेरा गोल्ड मांगा जा रहा था। फिर उसके बाद मेरे पति ने बोला कि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे और फिर मुझे रेंट के घर पे जाने के लिए बोला गया था और मुझसे पैसा मांगा जाता था रेंट का। हम लोग जब रेंट के फ्लैट पे गए तो वहाँ उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज था। दिन भर वो घर से गायब रहता था। तो शादी के बाद जब मैं उसे 2 मिनट के लिए वीडियो कॉल करती थी तो वो शाउट करने लगता था, चिल्लाने लगता था, घर पे आके गुस्सा करने लगता था। जब मेरे पापा मुंबई में थे, कैंसर हो गया था उनको मेरी शादी के बाद, उनका इलाज चल रहा था, ऑपरेशन हो रहा था। और मेरे पापा मतलब जैसे मैंने बताया ना कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। इनफैक्ट जब उनकी पहली बायोप्सी आई थी तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि जब वो हॉस्पिटल से आए थे, वो अपने एक रिपोर्ट लेकर के आया तो वो सबसे पहले मुझे ढूंढ रहे थे। मैं जब वो फीलिंग याद करती हूँ कि वो कैसे रो रहे थे तो बहुत बहुत बुरा लगता है। जब भी सोचती हूँ कि काश मैं वहाँ मुंबई में रह पाती जब पापा वहाँ थे, बट मुझे ससुराल से जाने नहीं दिया जा रहा था। फिर जब पापा यहाँ पे आए रांची ऑपरेशन करवाने के बाद तो मुझे षड्यंत्र के थ्रू सारा मेरा सामान पैक वैक करा करके मुझे मायके पहुँचा दिया गया। 15-20 दिन के बाद मैंने खुद उसे कॉल किया तो जवाब आता है कि मुझे अभी पैसा चाहिए, पैसे की ज़रूरत है। फिर मैंने उससे बोला कि आपको शर्म नहीं आ रही है कि अभी मेरे पापा का ऐसा ऐसा कंडीशन है और आप मुझसे पैसा मांग रहे हैं। तब तीज के नेक्स्ट डे मैं अपने ससुराल गई थी। तो ससुराल जब मैं वहाँ गई तो मुझे मेरी सास ने ट्रॉली फेंक दिया मेरा और मुझे डंडा भी उठा के मारने की कोशिश की थी। पापा ने बोला कि ठीक है भाई, हमने जो दहेज दिया है, हमने जो अपनी बेटी को दिया है, सारी चीज़ें आप वापस कर दीजिए। मेरे हस्बैंड ने हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगा, उन लोगों ने मुझे रख लिया। बट ये प्लान था मुझे घर पे रखने का ताकि वो मेरे खिलाफ केस कर सके। मैं वहाँ रह रही थी उस दौरान, मुझे एक रूम में रहना होता था, ना ही किचन में खाना बना सकती हूँ ना खा सकती हूँ। मुझे याद है कि मैं उस टाइम एक बॉयलर में ओट्स बॉयल करके खाती थी। फिर कई बार रात को मतलब मैं सोती थी तो वो मुझे भूत की कहानी सुना के डराता था कि मुझे भूत दिख रहा है, मेरा गला दबा देता था। जब मेरी शादी हुई थी तो उसने अपना एज 28 साल बोल के शादी किया था और उसकी रियल अभी एज 44 ईयर्स है। वो मतलब मुझे इतना टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर करता था कि मतलब मुझे छत से गिराने की कोशिश, फिर मुझे वॉशरूम में बंद कर देना, मुझे रूम में बंद करना, मुझे बहुत टॉर्चर किया उस इंसान ने। फिर मैंने थाना गई, मैं कंप्लेन करने की कोशिश कर रही थी पर मेरा कोई कंप्लेन लिखता नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का पावर और अपने पैसे का पावर दिखाते थे। मैं अपने मायके में रहने लगी। फिर मुझे पता चला कि उन लोगों ने मेरे ऊपर मतलब एक इन्फॉर्मेटरी डाला था कोर्ट में कि मेरे फैमिली उसे टॉर्चर करता है और मैं उसे मारने की कोशिश करती हूँ। फिर मैंने कोर्ट में केस किया और कोर्ट में वो आता था और बोलता था कि 2-3 लाख रुपए लो और मुझे डाइवोर्स दे दो। और मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी, मैं रहना चाहती थी उसके साथ। फिर मेरी जिस दिन शादी के 1 साल कंप्लीट हुआ तो मैं अपने ससुराल वापस गई और वहाँ पे भी फिर उन लोगों ने सब मेरे साथ बदतमीजी किया, मुझे घर से निकालने की बहुत कोशिश की। मैं फिर भी वहाँ रही, मैं 7 महीने वहाँ रही हूँ। उस बीच मुझे पहली बार पता चला, मेरे हस्बैंड का एक डायरी था जिसमें उन्होंने अपनी पहली बीवी के बारे में सारा चीज़ लिख रखा था जो
ऑलमोस्ट 60 पन्ना का था पूरा कहानी। मैं वापस कोर्ट में ये सब चीज़ डाली तो फिर और भी केस निकला। फिर उनकी जिंदगी में कितने थे वो मुझे, जब मैं वायरल हुई तो बहुत सारी लड़कियां मुझे फेसबुक पे, इंस्टा पे उनके फोटोज़, उनका वॉइस रिकॉर्ड, उनका सारा चीज़ मुझे भेजने लगी। जब मैं वहाँ थी ससुराल में 7 महीने जब सास ससुर के साथ रहती थी, तो उस दौरान मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मतलब लोगों से बात करना बंद कर दिया था। कई बार ससुराल से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और फिर मेरे को डॉक्टर ने मेरे पापा को बोला कि आप उसे वहाँ से ले आइए, वरना डिप्रेशन में कहीं खुद को कुछ कर ना ले। मेरी दादी का ये सोच था कि ढोल बाजे के साथ उसे और पटाखों के साथ लेके आएंगे, घर की लक्ष्मी है, वापस आ रही है। और मैं ये कहना चाहती हूँ लोगों से, क्यों भाई आप अपनी बेटी के फोटो पे हार चढ़ा सकते हैं लेकिन आप अपनी बेटी को घर नहीं ला सकते खुशी से।